सो वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ टेक फाइनाइट एंड इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू एक्सप्लोर सम डिफरेंट थिंग्स क्योंकि हम बाकी वीडियोस में अनबॉक्सिंग करते थे या फिर कंपैरिजन करते थे। इस वीडियो में मैं अपने होम टाउन आया हूँ और मैं बहुत ज़्यादा अमेज्ड हूँ क्योंकि यहाँ जो म्यूजियम है वहाँ बहुत सारे डिफरेंट थिंग्स किए गए हैं जो कि पूरा ही टेक्नोलॉजी बेस्ड है, जैसे कि 11D हॉल, जीरो ग्रेविटी रूम और एक बहुत ही ज़्यादा अच्छा मिरर हॉल। तो यार एक्सप्लोर करते हैं और लेते हैं मज़ा इस चीज़ का क्योंकि बहुत ही ज़्यादा अमेज होने वाले हैं सब और आप भी। चलिए देखते हैं इसमें क्या क्या है। हम अभी बोध डिस्ट्रिक्ट म्यूजियम के अंदर हैं और ये बहुत ही ज़्यादा हेरिटेज बिल्डिंग में बनाया गया है, लेकिन हमारा जो तीनों टेक्नोलॉजी बेस्ड चीज़ें हैं जैसे कि हमारा 11D हॉल, मिरर हॉल और ग्रेविटी हॉल और हमारा एक्वेरियम, ये चारों चीज़ें ही इसके अंदर है और हमें अभी इसको एक्सप्लोर भी करना है यार। और जो ये म्यूजियम है ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, मतलब आप अगर चाहो तो इसको एक्सप्लोर भी कर सकते हो। अगर मन किया तो बोध ओडिशा में ही है यार, आप आ सकते हो। और अभी हमको अपने मोटिव की तरफ बढ़ना है, चले चलते हैं एक्सप्लोर करते हैं क्या क्या चीज़ें हैं यहाँ पे। और अभी हम यहाँ के 11D हॉल के अंदर हैं और ये बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिंग और बहुत ही ज़्यादा फनी है यार। यहाँ पे जो हम लोग देखते हैं वो उसको एक्सपीरियंस भी कर सकते हैं। और ये अल्दो बहुत छोटा है लेकिन बहुत ही ज़्यादा फुल्ली इक्विप्ड है और यहाँ का मटेरियल आप देख ही सकते हो यार, बहुत ही ज़्यादा हाई क्वालिटी इसको बनाया गया है। और एक ऐसे हेरिटेज बिल्डिंग में इतना कुछ बनाना कोई छोटी बात नहीं होती यार, और बहुत ही ज़्यादा अच्छा एक्सपीरियंस आपको यहाँ पे मिलने वाला है। और जो चीज़ ये हॉल को बाकी हॉल से अलग बनाता है वो ये गॉगल्स हैं यार, मतलब बहुत ही ज़्यादा अच्छे चीज़ हैं ये। मतलब अगर आप कुछ देख रहे हो ना तो उसको अगर आपको फुल्ली एक्सपीरियंस करना है तो ये आपको पहनना पड़ेगा। अगर आप जो देख रहे हो उसमें हवा चल रहा है देन आपको हवा भी एक्सपीरियंस हो जाएगा। अगर आप वहाँ पे देख रहे हो रेन हो रहा है या फिर बारिश हो रहा है देन आपके ऊपर पानी भी यहाँ पे गिरने वाला है। लिटरली आप फुल्ली एक्सपीरियंस करने वाले जो आप देखने वाले हो। और ये गॉगल्स पहन के मेरे को लग रहा है यार बहुत ही ज़्यादा अच्छे से हम इस चीज़ को एक्सपीरियंस कर सकते हैं। और ये पहन के कुछ ऐसा दिखता है। और यार अभी हम जहाँ पे है ना ये बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग चीज़ है और ये है जीरो ग्रेविटी रूम, क्योंकि यहाँ पे आपके नीचे जो सरफेस आपको लगेगा ये हिल रहा है लेकिन ये पूरा एक इल्यूजन है। और इसके पीछे का लॉजिक हम आपको आगे बताएंगे लेकिन पहले इसको एक्सप्लोर करते हैं, चलिए देखते हैं आगे क्या है। और ये कुछ ऐसा दिखता है। गाइज लिटरली मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरे पैर के नीचे जो सरफेस है ना वो हिल रहा है। लिटरली यार मेरा सर भी हिल रहा है, मेरा दिमाग भी हिल रहा है ऐसा। लेकिन कुछ नहीं है, आपको बस अपने आप को ये दिलासा देना है कि ये एक इल्यूजन है। लेकिन इसके पीछे ये लॉजिक है कि इसके चारों तरफ जो वॉल है ना वो मूव कर रहा है, इसमें जो कलर कॉम्बिनेशन है वो एक इल्यूजन ऐसा क्रिएट कर रहा है कि आपके पैर के नीचे सरफेस है वो हिल रहा है, वो मूव कर रहा है, वो सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है, ये बस एक इल्यूजन है। अगर आपको ये सच में प्रूव करना है कि ये एक इल्यूजन है, आप आंख बंद करके यहाँ पे चल सकते हो, देन यू कैन प्रूव दैट यहाँ पे कुछ भी ऐसा जीरो ग्रेविटी वाला सीन नहीं है। ये एक अच्छा सा इल्यूजन है, एक अच्छा सा टेक्नोलॉजी साइंस है जो हमको एक्सप्लोर करना था और हम ये कर चुके हैं। देखते हैं यार फिर भी इसके मजे लेना तो हमारा काम है, वो भी ले ही लेते हैं। यार लिटरली खुली आंखों से इसको पार करना ना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है, लेकिन बहुत ही ज्यादा अमेजिंग है यार, बहुत ही ज्यादा फनी है। आप अगर चाहो तो कभी आके इसको एक्सप्लोर कर सकते हो, बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। और इसको बनाने के पीछे लॉजिक यह है कि बच्चे इसको एंजॉय भी कर सके और इसके पीछे का लॉजिक जो है, इसका साइंस जो है, उसको समझ भी सके। और यार ये एंजॉय करने के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। यू कैन लुक कि वॉल ही हिल रहा है, हमारे नीचे की सरफेस नहीं। आप कैमरा में भी देख सकते हो, आपको भी ऐसा लगेगा यार कि ये नीचे का सरफेस मूव कर रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन बहुत ही ज़्यादा फनी है और बहुत ही ज़्यादा अच्छा एक्सपीरियंस हमको यहाँ पे मिला। फाइनली वी हैव रीच द मोस्ट एक्साइटिंग पॉइंट ऑफ आवर वीडियो, ये है द मिरर मेज, जैसे कि आप देख सकते हो। और ये बहुत ही ज़्यादा एक्साइटिंग होने वाला है बिकॉज वी आर एंटरिंग दिस नाउ। अब देखते हैं यार इसके अंदर ऐसा क्या है। ओह माय गॉड,
यार ये बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग है, और मतलब ये ऐसा लग रहा है यार जैसे मैं सेडुक्लोन जूस यूज़ कर रहा हूँ। नरुटो फैन समझ रहे होंगे मैं क्या बोल रहा हूँ, और ऐसा लग रहा है यार चारों तरफ बस मैं ही हूँ। लेकिन इसका एक छोटा सा लॉजिक है बस, कि यहाँ हमारा रिफ्लेक्शंस बहुत ही ज़्यादा आ रहा है, मतलब हर एक मिरर में हमारा रिफ्लेक्शन आ रहा है, तो हमको पाथ नहीं पता चल रहा कि यहाँ रियल मैं हूँ या पाथ है या हमारा वे है। तो यार हमको इसको एक्सप्लोर करना है, देखते हैं यार रास्ता किधर है। पता चला मैं ऐसे ही जगह में जा रहा हूँ और बार बार वहीं पर घूम रहा हूँ, देखना पड़ेगा यार। काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है, लेकिन बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग है। और यार मेरे को लग रहा है हमें एक भूलभुलैया में फंस चुके हैं, लेकिन यार मुझे ऐसा कहीं ना कहीं लग रहा है कि यहाँ एक ऐसा हिडन डोर होना चाहिए एंड के लिए, एग्जिट के लिए, और उसको हमें ढूंढना ही पड़ेगा यार, क्योंकि मुझे लग रहा है बार बार हम एक ही जगह पर घूम रहे हैं और ये बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग है। आई होप कि सोम ढूंढ ले दरवाज़ा, क्योंकि मुझे नहीं मिला है तब से। भाई कुछ करके ढूंढ ले यार, मिल गया यार। सही है भाई, मतलब यहाँ भी एक इल्यूजन ही था, मतलब एक डोर में भी मिरर ही फिट किया गया था, और बहुत ही ज़्यादा मुश्किल था यार इसको ढूंढना। यार दिस इज द एंड ऑफ द वीडियो, ऑल्दो ये एक टेक रिलेटेड चीज़ नहीं है, लेकिन आई होप ये आपको पसंद आएगा। लेट्स एक्सप्लोर दिस नाउ। और इस वीडियो को बनाने का मोटिव ये था कि विद मॉडर्न टेक्नोलॉजी हमें अपने कल्चर को साथ में लेकर चलना चाहिए, एंड आई होप यू लाइक दिस वीडियो। आपको ये वीडियो पसंद आया और आप चाहते हो कि ऐसे वीडियोस आपको आगे भी मिले, देन डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल टेक फाइनाइट। लेट्स टेकिफाई।